वाहे Vaheguru, 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 Vaheguru,
शरण पे अंशक पाइए बहड़ दुख ना वड पाकी साध संग प्राप्त एक कड़ी आदि कड़ी आदि भगतन स्थिति को सते जो कि नौ सौ वीर संगत करिए साध की जो अंत करे निर्वाह साक्त संग न कीजिए शांति होए कबीर साक्त ऐसा है जैसे लसन की खान कोने बैठे खाई है प्रगट हुए निलान फिर मारी मरुक संग की खेले ओ किले ओ चीरिए साकत संग नहीं चावल कारण सुख को मोली लाए संग संगी बैठते संग संगी बैठते ता पूछे धर्म राय वड पागी साध संग प्राप्तिन पेट दुर्मत खोई तिनकी दूर नानक दास पंछ तिनकी दूर नानक दास हरन नाम हृदय परोई वाहिगुरु 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 Right.
रहे। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी सात संगत जीओ, ख्यालां नूं बाहर तो जाण तो रोकिए, चित विरतियां करिए एकागर, रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी। सतनाम श्री गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश होई, निर्मल डेरा हिरदापुर खेड़ी विखे धन धन बाबा खदास सिंह जी महाराज जिया दे इस तप अस्थान ते परसों बहुत ही सत्कारयोग सेवा दियां ये सारियां सेवा दी पुंज सारी जथेबंदी बीबियां वालों अखंड पाठ परा आरंभ होए, कल मद दा भोग पिया, कल इत्थे सत्संग होया, अज भी संपूर्ण भोग पैन ते आपां सतसंग दे विच जुड़ रहे हैं। सतसंगत कैसी जानिए, ये सतसंग दी निशानी है कि जिथे बहुत ही शांत वातावरण टका एकांत जिथे बैठ के अतरंग साधन होवे, संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा, जिथे नाम नाल जुड़ जाइए ओ प्यारा लगे, समस ओ सफला होवे, ओ स्वास लेखे विच लगन, ओनू सत्संग कहा है। क्योंकि सत्संगत कैसी जानिए, सत्संग दी ये निशानी है, जिवें तुसी बैठे हो बहुत ही एकांत स्थान है जिथे महापुरशां ने महान तप कीता, पांच पांच सौ साधु निज जड़ा आनंद माणिया करदे, क्योंकि वातावरण एक ऐसा एटमोसफियर इत्थे बना दिता उन्होंने जिथे बैसन साध जन सो थान सोहंदा। तुसी काफ़ी समय तो रब्बी बाणी दे सत्संग कीर्तन नाल जुड़ रहे हो, जो जुड़ जाइए फिर समय का नहीं पता लगता। स्वासन कल आप विचार कर रहे सी, क्योंकि महापुरशां ने जो भी सत्संग कीते वो सारे लिखत जा रहे हैं, आत्म मार्ग दे विच छप रहे ने, फिर पुस्तकां बन रही हैं। इस तरह कल विचार चल रही सी, पर अचानक जिवें तुहानू पता भाई बलबीर सिंह जी जिन्हां ने इत्थे दरख्त लवाए, फॉरेस्ट महकमे च रतवाड़ा साहब उस धरती दे चप्पे चप्पे ते दरख्त लगे,
बहुत ही शांत वातावरण, क्योंकि दरख्त बहुत ही सुख देंदे ने। कल अपन विचार उत्थे विच छड़नी पई, क्योंकि उन्हां दे घरों बीबी का संस्कार सी, उन्हां दी इच्छा सी कि रतवाड़ा साहब तो पहुँचन। सो कल विचार विचकार रहेगी, क्योंकि बहुत ही ये जिहड़ी संपर्दा राड़ा साहब अव्यासी पुरश महापुरशां दी ये संपर्दा है, जिन्होंने बहुत तप किए। महान योगी भाई साहब भाई दया सिंह जी महाराज इस संपर्दा दे मुखी, जिन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जुगती बख्शिश की। वो जुगती क्योंकि जिहड़ी है ये संपर्दा दे विच चली आउंदी सीने बसीने, फिर अपने महापुरशां तक पहुँची, क्योंकि संपर्दा नाम अव्यासियां दी है। महाराज दया सिंह जी ने जो कृपा की, बाबा सोभा सिंह जी आनंदपुर साहब वाले सोढ़ी सन, वो जो बेनती की, क्योंकि गुरु की वंश है रामदास पातशाह जी, गुरु रामदास जी महाराज, वो बैठा रामदास जेडे कहिंदे गुरु वो सोढ़ी सन, ते वो जो बाबा जी ने बेनती की तो उन्होंने कहा कि हुण इस संपर्दा खंडे बाटे दे अमृत छकाउंदे समय ये जड़ी जुगती है पंज प्यारे नाम अव्यासी पुरश दस देंदे ने, सो पहल प्राप्त की। बाबा साहब सिंह जी ने जुगती दसी बाबा सोभा सिंह जी नू, क्योंकि बाबा सोभा सिंह जी नू जुगती भाई दया सिंह जी तो प्राप्त हुई, ते बाबा सोभा सिंह जी ने फिर बाबा साहब सिंह जी ने यह जुगती दसी, जो गुरु नानक दी बेदी अंश 11वीं जगह ते उन्होंने फिर अगे ये चली। बाबा भाग सिंह जी कुरी वालियां कोल आई, उन्हां तो बाद फिर बाबा बीर सिंह जी नरंगाबाद वाले होए, बड़ी करनी कमाई दे मालक। उन्हां तो बाद फिर ये बाबा बीर सिंह जी तो जिहड़े अगे फिर दो महापुरश होए, बाबा खुदास सिंह जी, नां तो उन्हां दा जसवंत सिंह सी, पर जो उधर गए काबल दे विच उत्थे फिर बड़े बड़े काजी मलाणिया नाल वाह पिया, पुछया कौन कि मैं खुदा है तो परमेश्वर ही, नाम खुदास सिंह पै गया उन्हां दे ऐसे कौतक वेख के। ते उन्हां दे नाल समकाली महापुरश सन जिन्हां नूं बाबा महाराज सिंह जी कहिंदे, नां तां उन्हां दा निहाल सिंह सी पर लंगर इन्ने प्यार नाल छकाउणा, आई संगत नूं परमेश्वर जानना, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जियो, कि आओ जी महाराज लंगर छको, उन्हां दा नां ही महाराज सिंह पै गया। फिर सिंगापुर दे विच जिहड़ी आजादी जंगे आजादी दी लड़ाई लड़ी, सब तो पहला उन्होंने प्राणा दी आहूति पाई, उत्थे जेल दे विच महान शहीद होए। उन्हां तो बाद फिर बाबा राम सिंह जी बरखत होए, इसे तरह ये जुगती अगे प्राप्त होई। बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां नूं, उन्होंने 101 नूं अमृत छकाया, सारे ने ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता। उसे तो अगे फिर यह रेरू साहब वाले संत महाराज बाबा करम सिंह जी होए, फिर राड़ा साहब वाले, फिर रतवाड़ा साहब वाले, इस तरह के नाल ये जुगती है। क्योंकि बाणी जिहड़ी है यह बाणी, जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम, महापुरश अव्यासी पुरश जुगतियां दस दिंदे ने।
इस तरह के नाल अभ्यास करो संत संग, ये हुंदा ही ऐसा है कि इहदे अंदर जिवें हुण आपां वैखरी बाणी च बोल के अभ्यास कीता ते ये अभ्यास वधदा जावे, ये वैखरी बाणी तो मध्यमां च फिर पसंती बाणी परा बाणी च ये अगे तो अगे, क्योंकि जिहड़ी परा बाणी है उत्थे ये अक्खर नहीं, वो ऐसी बाणी है, क्योंकि बाणी आप पढ़ते हैं बोल के करते हैं कंठ च होना शुरू हो जावे ते फिर हिरदे दी बाणी है, बिन जीवा जो जपे है आए कोई जाने कैसा नौ महापुरश, इस दे बारे इस तरह दसते हैं। जप लो प्यारे ओ, बिना जीवा दे तू प्यारे आ, बिना जीवा दे तू वाहे गुरु जपने प्यारे आ, बिना जप ले प्यारिया बिना जीवा दे तू वाहे गुरु, जप ले प्यारिया बिना जीवा दे तू वाहे गुरु, वाहेगुरु 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 ले प्यारे बिना जीवा दे तू वाहे गुरु, प्यारे बिना जीवा दे तू वाहे गुरु, बिन जिहबा जो जपे हे आए। हिरदा अनुभव करता है ते उस बारे कहिंदे ने कोई जाने कैसा नौ, इस नौ क्योंकि अभ्यास नाल पता लगता है, जदों असी बारंबार बार प्रभ जपीए पी अमृत यह मन तन तृपीए, जदों बारंबार उठत बैठत सोवत नाम हो नानक जन कै सदकाम, यही काम करना, क्योंकि उठते भी बैठते भी सौंदे भी जागते भी है, तो यह अवस्था है जागृत अवस्था,
जागत सुपन सुखोफत तुरिया अवस्था पे तहन सतपुरुष किडे दयालु कृपालु जिन्होंने ये बख्शिशा कीतिया भंडारे ही खोल दते कि इस तरह के नाल प्यारे करो क्योंकि जे अभ्यास वादा है एक दो जीबो लख लख होवे लख बीस एते राह पत पवड़ियां चढ़ियां होए अकीस हुण उथे फिर एक हुण एक जीव नाल आपां किन्ना कह जीबा एक कवन गुण कहिए बेसमार बेअंत स्वामी तेर अंत न किन्ही लई है। हुण जे जीवा एक है बोलदी है वाहिगुरु वाहिगुरु करदी है पर कहिंदे इत्थे तां एक दो जीव लख होवे कि लख किवें हो मल्टीप्लाई किवें हो जदों कंठ च होना शुरू हो गया दस गुणा वध हो गया इहनूं जिहड़ी बाणी बैखरी तो मध्यमा फिर मध्यमा तो पसंती उहदे विच दस गुणा होर हो गया फिर परा बाणी च होर दस गुणा वध गया इत्थे फिर हुण ओ अवस्था महापुरश जिथे उन्हां दी ओ अवस्था हुंदी है क्योंकि जिन्ना सास ग्रास ना विसरे इन्ना अभ्यास वध जाना कि स्वास आउंदे भी स्वास जांदे भी ये गुरु दा मंत्र होवे। अवस्था किन्नी उच्ची हर नामा मन मंत धन से नानका पूर्ण सोई संत ओ अवस्था तक पहुँचाउण वास्ते सतपुरश जुगतियां दसदे ने। हुण परा बाणी च किड्डी अवस्था बदल जांदी है उस समय फिर आला दुआला सारा वातावरण एक ऐसा ओरा उन्हां दा हुंदा जिहदियां वेव्स वाइब्रेशन ऐसियां आउंदियां ने कि फिर जिहड़ा बाहर तो भी आवाज़ आउंदी है ओ फिर ये नहीं कि वह डिस्टर्ब कर दी हर हट पी तू तू करे भोल बोले भली बाण ओ जो बोलत है मिर्ग मीन पखेरू सो बिन जापत है नहीं होर। फिर जिन्हें ये रोम ने क्योंकि जिहड़ी इस आपां स्वास है सारी लै रहे ने प्राणी प्राणधारी अंदर नूं स्वास जांदा ऑक्सीजन लैके जाता पवित्र हवा हुंदी है बाहर नूं स्वास निकलता है अंदरों जिहड़ी सफाई करके कार्बन है उन्हों बाहर कढ के लिआउंदा है ते इहदे ते बल है मंत्र दा क्योंकि नाम दे सहारे सारा कुछ है नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड ते जदों इस तरह दे नाल हुण रोमां दी आ जिहड़ा तुसीं आत्म मार्ग है ध्यान नाल पढ़ो स्वामी राम जी का लेख है इहदे विच स्वास विज्ञान दे उत्ते उन्होंने सारा दस्या क्योंकि इस महापुरश इस दे उत्ते बहुता जोर देंदे ने। हुण स्वामी राम जी का बहुत प्यार महापुरशां नाल उन्होंने फिर राइट दे दिते कि जिन्नियां पुस्तकां हन इन्हां नूं तुसीं आत्म मार्ग च छप सकते हो क्योंकि वह तो बड़ी महान करनी कमाई हिमालिया दे शेर उन्हां नूं कहा करदे उन्हां दा सारा जीवन ही प्रैक्टिकल वो फिर जिवें डूंघा सवास लैना 15 सैकेंड तो वध दा समां लाउणा सवास लैण च ते सवास छड्डण च भी बैलेंस बना लैना स्वास दा जिहड़ा ये चलदा ये जिहड़ा इस अवस्था ते पहुँचना है उहनूं सतपुरश कहिंदे तुसीं इहदा एक साइकल बना लो ध्यान लजाओ धुन में ध्यान ध्यान में जाने गुरमुख अकथ कहानी
ਉਹ ਐਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਥੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਕਣਤ ਮਟਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਕਣਤ ਮਟਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਕਣਤ ਮਟਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਕਣਤ ਮਟਾਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਰੋਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਭਰੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਤਾਂ ਧੰਨ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੁਸਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਹੈ ਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ ਰਹਿਤਾਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਾਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨ, ਇਹ ਜਲਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਚੱਲ ਤਾਂ 18 ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ 18 ਸਾਂ, ਬੈਠ ਤਾਂ 12, ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 12, ਸੋਬਤ 24 ਜਾਤ, ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 24 ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 24 ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ 32, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮੈਥਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 64 ਸਵਾਸ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਹਰਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਨੂੰ, ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 6 ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸਹਿਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਜੋਗਨ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਧਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ, ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਉਹ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੈ ਨਾ ਕਬ ਹੋ ਮਰਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ, ਨਾ ਘਟਣ ਵਧਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਲੋਰੈ ਭਰਮ ਮੋ, ਨਾਨਕ ਤਿਉ ਗਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕਿ ਸਵਾਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ।
ते इस करके श्वास जो भी आप लेंदे हैं ऐसे वातावरण शुद्ध हवा दे विच ए अभ्यास होवे। घरां च भी जदों बैठ के करो। साडे रतवाड़ा साहब स्वामी आत्म ज्ञान आनंद पिछले 10 साल तो उत्थे रहे, उन्हां नूं देखिया ठंड भी होवे तां वी उन्होंने अपनियां सारी ताकियां विंडोस खोलियां होणियां बारियां बूहे कि वह बाहरली कुटिया जिहड़ी उन्होंने बनी हुई उधर नदी वल के अंदर ठंडी हवा आउणी। प्राणायाम नाल जिहड़ी सज्जी नासका गर्म है चनूं श्वास खिंचणा खब्बी चनूं छड्डणा योगी बड़ा उन्होंने 4 बजे पहुँच जाणा कि ये सिखाउण वास्ते, पर अजकल सीखण वास्ते कोई तैयार नहीं। घट ना कोई कहाया सब कहते हैं पाया, पर ओ बड़ा महान योगी बड़ा उहदा इस ते निरंतर देखिया क्योंकि प्राणायाम महापुरशां ने एक सहज दा दस्या है कि अंदर नूं श्वास जांदा वाहे बाहर नूं आउंदा गुरु। आपां इत्थे पूर्णमासी ते भी आम भी शुरू च भी इस नूं करदे आं देखदे आं कि साडा श्वास किन्ना डूंघा जांदा है। अद्धे क मिंट तक भी चलो चला जावे बहुत वड्डी ये अवस्था है। ये फिर अंदरली प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है। श्वास देंगेड़े जप लो गेड़े जप लो वाहे गुरु केड़े लो वाहेगुरु दे केड़े लो वाहेगुरु सांस सिमरो गोविंद अनियंतर की जदो चिंता छड अचिंत रहो। चिंतन करना शुरू कर देंदे हाँ श्वास नूं देखदे हाँ। स्वामी जी दसदे ने प्राणायाम बारे कि सीधे लेट के जदों रात नूं सौण लगदे हो सब आसन जिवें कोई मुर्दा स्थिल है, पेट ते हथ रखो देखो पेट उपर जा रहा थले नूं जा रहा है उपर आ रहा है पता लग जांदा है कि किन्नी श्वास दी रफ्तार है क्योंकि करना है उठत बैठत सोबत नाम कह नानक जन कै सदकाम। यही करना रात नूं जदों सीधे सौंक लगदे हो, पर चलो जे रात दा प्रसादा तुसीं छकदे हो नाम जपण वाले जिन्हां दी कोई फिजिकल एक्सरसाइज घट हुंदी है और रात दा ये प्रसादा भजन बंदगी वाले बंद कर देंदे ने, पर चलो जिन्हां दा फिजिकल वर्क है लोड़ पैंदी है फिर कहिंदे जो इस दा श्वास है सज्जी नासका च चलना चाहिए प्रसादा छकन तो बाद।
खब्बे पासे नू लेट जावे सजी नासका खुल जांदी है, खादा पीता भी हजम हो जांदा है। अठ सवास इस तरह लवे, फिर सोलह सवास खब्बी नासका राही, फिर बत्ती सवास सीधे सौण समय जदों इस तरह करते हो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है शरीर, चार्ज हो जाता, रीचार्ज हो जाता है, एनर्जी आ जाती, क्योंकि सारी प्रक्रिया गुरबाणी च दसी है। सतगुर का जू सिखे अखाए सो पाल के उठार नाम ते आवे ते आवे ध्यान बैठे। ए स्वास ते दो खाली होण, दिमाग भी खाली होवे, पेट भी खाली होवे। जे पेट भरे पशुआं जी सोया, पशुआ वांगू पासे मारी जाने, करतब वांगू लाहे पेट, धोती खोल बछाए हेठ, फिट अवेहा जीव्या जित खाए बधाया पेट। जे आसन जिहड़ा प्रसादा छकण तो बाद बजर आसन च बैठ जो 15 मिनट, खादा पीता हजम हो जांदा है। हुण अमृत वेले दी वडियाई क्यों दित्ती है, क्योंकि गुरमुख दा जिहड़ा जीवन है सहज दा जीवन है, सहजे जागे सहजे सोवे, गुरमुख अन्न दिन, अन्न कहिंदे ने रात नूं, अन्न दिन रात दिन उस्तत होवे, उह सौंदा वे उठदा वे, दो समय ये जरूर संभालदा है। ते ओ सौण समय सीधे लेट के स्वास राही अभ्यास, सौ के उठन तो बाद सीधे बैठ के ध्यावे। हुण आसन सिद्ध है, रीढ़ दी हड्डी 90 डिग्री ते है, स्वास नूं देखते हैं, ध्यान च बैठते हैं। उस समय की करते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंदर मनवान, शब्द है तुनकार तुन, ध्यान प्रतीक ध्यान, संपत ध्यान, अहंग्रह ध्यान। ओ गुरमूर्त गुर शब्द है, शब्द दी तुनकार सुरत उस पासे वाल नूं उची उठदी है जांदी है, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। सुरत शब्द पाव सागर तरिए, नानक नाम उठाणे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु है सुरत चेला है। हुण शब्द ने खिंचना गुरु वाल नूं, जिवें चेला जांदा इस सुरत शब्द वाल नूं जांदी है, इत्थे फिर प्राण दी मदद लई जांदी है, ध्यावे ध्यान च बैठ के। उद्यम करे पाल के परवातिश, नान करे अमृत सर नावे, कर इशनान। हुण रोमां दी सफाई बारली, पसीना आउंदा है, इशनान बहुत जरूरी है। ते ए पानी दा इशनान सफाई बारली करदा बाणी, जदों बैखरी तो मधवा पसंती पानी
हिरदे दी बाणी परा बाणी नाभी ते जोर दे के स्वास दी मदद लई जांदी अंदरली सफाई सफाई फिर खुदाई आउंदी है। उस इशनान नो कहा कि ओ नौनिद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। ओ सरोवर च की करो इशनान करो। जेड़ा अमृत हर हर नाम है मेरी चिंदड़ी अमृत गुरमत पाए राम होमे माया बिख है मेरी चिंदड़िए अमृत बिख लह जाए राम। हुण जिहड़ी ये सत्संग करदे आ इहदे विच भी गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाई होमे बिख फैल जिहड़ी प्यो शरीर च फैल गई होमे दी। हुण ओ जहर नू गुरमुख कोई कारड़ू मंत्र अपलाई करदा ओ केड़ा मैनू कोई ना वाहिगुरू जाप के मैनू कोई ना जाप के वाहिगुरु तेर जप के वाहिगुरु मंत्र जप के वाहिगुरु जप के वाहिगुरु तेरे जाप के गुरु जाप के वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु 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 मंत्र जप के वाहिगुरु मंत्र जप के वाहिगुरु मंत्र
वाहिगुरु मंत्र जप के, वाहिगुरु मंत्र जप के, हम मैनू खोई ना गुरु, हम मैनू खोई ना वाहे गुरु। गुर मंत्र है जप होमे खोई, ए जप अजपा जाप नम बिसरे। हुण ओ जिहड़ी होमे है, होमे एक जात है, आपां तां जातां रख दित्तियां कम दे नाम ते आधार ते कि की कम करदा। जे चम दा काम है उन्हों उस तरह दा नाम दे दिता, लोहे दा काम है लोहार दा नाम दे दिता, जमीन दा काम जिमीदार। ये जात नहीं, असल ता जिहड़ी होमे ओ है जात, होमे इहा जात है। ये जिवें जात दा काम की है, होमे दीर्घ रोग है, बहुत एक ऐसा रोग है क्योंकि मनुख नूं यही दे दिता होमे दीर्घ रोग। इन्ना दीर्घ डूंगा चला गया जे उस करके डूंगा सवास लजाना पैना, मंत्र उस ते जाओ ओ फिर इस दा नाश करो। कहिंदे इस ते दीर्घ रोग है दारू पी इसमा है, जिहड़ी दवाई होमे दे विच ही रख दित्ती। जिन रच रचिया पुरख बधाते नाले होमे पाई, जिथे शरीर च नाम दी दवाई पई है आहो भी ये भी रख दित्ती नाल ही पा दित्ती। जन्म मरण उसी को है रे ओहा आवा जाई, आवागमन दा चक्कर होमे दे कारण है। होमे कर्म कमाहे, होमे ए ई बंधना फिर जो नहीं पाए। हुण होमे दी जिहड़ी जात दे जिहड़े काम ने सारे दे विच पातशाह ने दस दिते कि किन्ने बंधना च फसा दिंदी है। हों मैं मेरा, हों मैं विचों खोवे, दूजा मेटे इको होवे। असीं हुण इस निशानी कित्थों पता प्राप्त हुंदी है, जदों सत्संग च जुड़ जाते हैं। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई। तो ये जिहड़ी जात, जिवें किसी की जात तो दे काम तो देखते हैं कि होमे दे काम की ने। होमे ए बंधना फिर जो नहीं पाए, ये जोना च फसा दू, बंधना च पा दू, जम्मण मरण च लियाओ। हों विच आया, हों विच गया, हों विच दिता, हों विच लिया, हों विच खटिया, हों विच सचिया कुड़िया, हों विच पाप पुन विचार, हों विच हसै, हों विच रोवै, हों विच भरियै, हों विच धोवै, हों विच जाति जिनसी खोवै, हों विच मूर्ख, हों विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना। ये जिहड़ी मोख मुकत जुगत नाल मुकत है, इहदी सानू सार नहीं आउंदी। ते सतपुरश कहिंदे तू दवाई जिहड़ी लभणी इहदे विच्चों ही मिल जाणी, दारू पी इसमा है, उहदे उत्ते की फिर कर किरपा करे, जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। ये फिर वो हुंदी अपने ते किरपा केड़ी,
ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਜੋਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਾਲੇ ਪੜੋਸੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਵਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਅਨਹਤ ਤਹਿਨਾਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਤ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਵਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ
पर असल च की करना बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। बाणी नाम नाल ही जोड़दी है। वो बाणी दा समा है जो ती दिन चढ़ता उस समय कर लो, नहीं तो तुसी देखते हो अमृत वेला हुंदा है, स्पीकर लग जांदे ने, बाणी पढ़ी जांदी है, वो एक ठीक नहीं। एक चलो एक रीस नुकड़ीस हो गई, चली जा रहा है, सारे जोर लाते ने, मुला मनारे क्या चढ़े, मुला बांगा दंदा साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। उधर मंदिर च टल खड़कते ने, भजन गाते ने, वह समा नहीं होंदा। उस समय तो टका है, पानी च भी ओ थ्री ऑक्सीजन है जिहड़ी है, ओजोन गैस आ जिहड़ी हुंदी है, कार्बन ये बड़ी खतरनाक है। दरख्त ने बड़ा इन्हां ने ये सैल्फ डिपेंड ने, असी तो इन्हां ते डिपेंड ना, पर दरख्त रात नूं कार्बन डाइऑक्साइड जदों सूरज की रोशनी नहीं हुंदी ये खांदे ने, छड़दे ने ऑक्सीजन। तो जिहड़े ये दिन विच ये कार्बन डाइऑक्साइड खांदे ने, ऑक्सीजन छड़दे ने, रात नूं ये कार्बन डाइऑक्साइड छड़दे ने, दरख्त ऑक्सीजन खांदे ने। आम दरख्तां थल्ले पै जाणा, बड़े बड़े पिपल परोटे होने, उन कहना भूत चुंबड़ गए, भूत नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बद जाती, सह घुट जाता, कहना भूत ने दब लिया। ये नहीं साइंटिफिक बात है जिहड़ी गुरबाणी हर पक्ष तो सानू उपदेश दिंदी है। हुण इंसान ही एक ऐसा है ये जिहड़ा दूजे ते डिपेंड है। असल जिहड़ा नाम दा आधार है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास ग्रास आउंदा जांदा स्वास, ध्याए मेरा हर हर ध्यान च बैठ के, वो फिर की करदा इहदे नाल पुराणा जाम तो बाद प्रतिहार है। वो मन लोचे बरियाईयां गुरशब दी ये मन होड़ी है, स्वास नू कंट्रोल कर लिया, गुस्से च है, वासनावां च, शांत हो जाऊ। जे उस नू दी स्पीड कंट्रोल कर ली, इहदे उत्ते मंत्र लिआंदा, फिर उहदी अवस्था किड्डी उच्ची है। मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावे, ओ सिख फिर गुरु दे मन नू पाउंदा है। फिर पातशाह जी की करदे ने, जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे, जो दिसै गुरसे खड़ा। से अखर सनमुख दा वाचक है, उहदे तां कहिंदे चरणा ते नमस्कार है, क्योंकि ऐसे महापुरशां दी संगत मिली, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सो उन्हां दीआं ये सुनियां होईयां ये कथावां आप विचारियां हन, अवस्थावां हन। सो इस रस्ते नूं आत्म मार्ग कहा, इहदे ते चलीए। सो इत्थे बहुत सुहावना स्थान है, सत्संग दा माहौल बन जांदा, बहुत ही सत्कारयोग बीबियां सेवा दियां पुंज हन, किन्ना इन्हां दे अंदर प्यार है, सत्कार है। हर महीने इत्थे सत्संग रख दिता, अखंड पाठ कराउंदे ने, किन्नियां रल मिल के सारियां बीबियां सेवा करदियां हन। इत्थे ही नहीं, जिथे भी सत्संग हुंदा उत्थे पहुँचदियां। फिर रतवाड़ा साहब भी देख लो किन्नी सेवा। सो साडा तां सीस झुकदा है। सो अज कल विचार विचकार रह गई, हले भी कड़ा पूरी हो गई। इंसान कदे नहीं कह सकता, क्योंकि है ये तो शिक्षा है, सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। नदर हो गई दी दर ते, खुदा ते बैठ के आपां सत्संग करदे हां,
सो यही विचारा इथे माहौल बनता किन्ना शांत वातावरण। सारा महापुरशा ने इथे दरख्त लवा दते कि यह वातावरण पवित्र हवा होवे, फिर वायु पवित्र है, जल भी पवित्र है, पानी आ खूह लवाया, 68 तीर्थां दा जल पवाया। जल वायु ते डिपेंड करता है। सो सतपुरश किन्ने सियाने, उन्हां समयां च 100 साल पहला वह गल्लां सोचियां जिहड़ियां अज असी नहीं सोच रहे। अपना विनाश आप कर रहे हैं, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। दरख्त ते कुहाड़ा चलता ये ना समझो, ये तो जिवें किसी दरख्त के टाणे ते बैठे असी उसनों ही कट्टी जा रहे हैं, ये साड़ी हालात है। सो सत्संग करदे आ एक अपने मन नूं समझाउण वास्ते, अपनी खेती रख लै, कूंज पड़ेगी खेत, एक लैसन है, इनू आपां रिपीट करदे आ। क्योंकि सारे जे देखिए दुख ने, होमे रोग सब तो बड़ा रोग है, ये मनुख नूं दे दिता। तो ये सारे जिन्ने रोग ने ओ ए एक वाहिगुरु दे नाल ही खत्म हो जाएंगे। जे असी एक बारी भी कहिंदे उस अवस्था ते जाके वाहिगुरु बोल दिता सुन मुन, सारे मन देखे ही है। गुरु नानक पातशाह जी ने जो संसार का उत्थे फतवा लग्या, पत्थर चुके हुए ने, सारी सुन मुनी नगरी हो गई। आ एक अवस्था है सुन समाध, प्रतिहार तो बाद फिर धारना दी, ध्यान दी, फिर समाधि की बारी आँदी। ये पांच जिहड़े ने बहरंग साधने, सम दम आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, अतरंग साधन हैं वो ध्यान, धारना ते समाधि। सो हुण समा नहीं इजाजत दिंदा। सतपुरशां दा लिटरेचर जिहड़ा गुरबाणी दे प्रकाश च लिखे न, विचारिया करो, पढ़िया करो, कल्ले बैठ के निधे आसन करिया करो, फिर सानू अंदरलियां अवस्थावां दे भेत खुल जाणगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। सारयां दा धन्नवाद जिन्हां ने इन्ने प्यार दा सबूत दिता, किन्नी किन्नी दूर तो इस निर्जन बन एकांत अस्थान ते संगत पहुँची। सो सारयां दा ही धन्नवाद। ते इसे तरह कल नूं कनौर इलाके च प्रेमी महापुरशां दी याद मनाउंदे ने हर साल, उत्थे सतसंग है। ते इधर नंगल पट्टों मस्सिया दा 9 तरीक का सत्संग है, संगतां पहुँचदियां ने। सो इन्नियां जिथे भी सत्संग मिले, सत्संग बहुत जरूरी है कलयुग दे विच। सत्संग ही बचाउंदी है, नहीं बड़ा भयानक समय। सो ये संगत सानूं मिलदी रहे, इसे तरह आपां रल मिल के करदे रहिए। आओ जिहड़े नहीं भी हुण तक बोल सके ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी, धन ओ तन है गुरु गद्दी साहिब जी, तन जी तन है गुरु अमरदास जी, तन Thank you.
तन है तन है गुरु रामदास जी तन I'm gonna make you mine.